आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में हुआ काफी बड़ा उलटफेर। दिल्ली कैपिटल तो वहीं दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स को लगा काफी बड़ा झटका। पंजाब मुंबई इंडियंस गुजरात टाइटल प्लेऑफ की रेस से हुई बाहर। आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल में आपको पूरी की पूरी जानकारी देने वाले हैं कि आईपीएल 2024 के पॉइंट्स टेबल के बारे में, और आप सभी को बताएंगे कि कौन सी टीम कितने नंबर पर रैंक कर रही है, किस टीम का कितना नेट रन रेट है, किस टीम के पास कितने पॉइंट हैं और कौन कौन सी टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। बस इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर देना। आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स जीत के बाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की जीत के बाद पॉइंट्स टेबल में काफी बड़ा हड़कंप मच चुका है, काफी बड़ा उलटफेर हो चुका है। आप सभी को बता दें कि यहां पर 10वें नंबर पर जो टीम है वह पीबीकेएस यानी कि पंजाब की टीम, जहां पर पंजाब की टीम ने 12 मैचेस खेले हैं, 4 मुकाबले जीती, 8 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। पंजाब टीम के पास 8 पॉइंट मौजूद है। अगर इसका नेट रन रेट की बात करें तो -0.423 इसका नेट रन रेट है। नंबर 9 पर है एमआई यानी कि मुंबई इंडियंस की टीम, जिसने 13 मुकाबले खेले हैं, 4 मुकाबले जीती है, 9 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई इंडियंस के पास 8 पॉइंट मौजूद है। इसके अगर नेट रन रेट की बात करें तो -0.271 इसका नेट रन रेट है। नंबर 8 पर है जीटी यानी कि गुजरात टाइटल की टीम। गुजरात टाइटल की टीम ने 12 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबले जीती और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। गुजरात टाइटल के पास 10 पॉइंट मौजूद है। अगर इसका नेट रन रेट की बात करें तो -1.063 इसका नेट रन रेट है। नंबर 7 पर एलएसजी लखनऊ विकेटकीपर केएल राहुल की टीम, जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबले जीती है, 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ की टीम के पास 12 पॉइंट मौजूद है। इसके नेट रन रेट की बात करें तो -0.769 इसका नेट रन रेट है। नंबर 6 पर आ चुके डीसी यानी कि दिल्ली कैपिटल की टीम, जिसने अभी तक 13 मैच खेले हैं, 6 मुकाबले जीती और 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली कैपिटल के पास 12 पॉइंट मौजूद है। अगर इसका नेट रन रेट की बात करें तो -0.482 इसका नेट रन रेट है। नंबर 5 पर आ चुकी आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल के बीच काफी ज्यादा तूफानी रोमांचक मुकाबला खेला गया, जहां पर आरसीबी की टीम ने बेहतरीन विस्फोटक बल्लेबाजी गेंदबाजी से दिल्ली कैपिटल को खदेड़ फेंका और जीत हासिल की। नंबर 5 पर आ चुके रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, जिसने 13 मैच खेले हैं, 6 मैच जीते, 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के पास 12 पॉइंट मौजूद है। अगर इसका नेट रन रेट की बात करें तो +0.387 इसका नेट रन रेट है। नंबर 4 पर आ चुकी है एसआरएच यानी कि सनराइज हैदराबाद की टीम। सनराइज हैदराबाद नंबर 4 पर इस समय रैंक कर रही है और इसके पास जो है, आप सभी को बता दें, इसने 12 मुकाबले आईपीएल 2024 के खेले हैं, जिसमें 7 मुकाबले अपने नाम के और 5 मुकाबलों में इसको हार का सामना करना पड़ा है। सनराइज हैदराबाद के पास 14 पॉइंट मौजूद है। अगर इसका नेट रन रेट की बात करें तो +0.406 इसका नेट रन रेट है। नंबर 3 पर है सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग। आप सभी को बता दें नंबर 3 पर सीएसके इस समय रैंक कर रही है और यहां पर चेन्नई सुपर किंग इसलिए तीसरे नंबर पर रैंक कर रही है, जहां पर उसने जो है, आप सभी को बता दें कि आरआर की टीम को खदेड़ फेंका था। यहां पर वो पॉइंट में भागे चली गई और प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर चुकी है। इसके पास 13 पॉइंट है। अगर नेट रन रेट की बात करें तो +0.528 इसका नेट रन रेट है और इसके पास 14 पॉइंट है। इसने 13 मैच खेले हैं, 7 मुकाबले जीती और 6 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। नंबर 2 पर है आरआर राजस्थान रॉयल्स की टीम, जिसने 12 मैच खेले हैं, 8 मुकाबले जीती और 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। राजस्थान रॉयल्स के पास 16 पॉइंट है। अगर इसका नेट रन रेट की बात करें तो +0.349 इसका नेट रन रेट है। नंबर 1 पर है केकेआर कोलकाता नाइट राइडर। आईपीएल 2024 की नंबर टॉप टीम नंबर 1 पर जो रैंक कर रहे हैं, जिसमें रिंकू सिंह श्रेयस अय्यर जैसे तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज हैं। कोलकाता नाइट राइडर आप सभी को बता दें नंबर 1 पर चल रही है, जिसने 12 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबले लगातार जीती है, 3 ही मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। कोलकाता नाइट राइडर के पास सबसे ज्यादा पॉइंट है 18। अगर इसके नेट रन रेट की बात करें तो +1.428 इसका नेट रन रेट है। कोलकाता नाइट राइडर काफी ज्यादा बेहतरीन और विस्फोटक टीम है आईपीएल 2024 की और ये प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुके हैं। राजस्थान रॉयल्स भी समझ लिया क्वालिफाई कर चुके हैं, चेन्नई सुपर किंग्स भी क्वालिफाई कर चुकी है। अब जो टीमें हैं सनराइज हैदराबाद, आरसीबी, डीसी, एलएसजी, गुजरात टाइटल, मुंबई इंडियंस और पंजाब की टीम, ये टीमों के बीच अब मुकाबला बाकी है। चैनल पर रहें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।